नमस्कार। सर्जरी के एक नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। हम इस इमेज में देख सकते हैं काफ मसल्स के आसपास के हिस्से को, जहां पर थ्रोम्बस के फॉर्म हो जाने के बाद एक नई समस्या पैदा होती है जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर आप देखिए नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, जबकि इसके बगल में आप थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को देख रहे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस थ्रोम्बस का एक पार्ट टूट करके ब्लड सर्कुलेशन से आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट हैं इसको हमने पहले भी पैथोलॉजी में डिस्कस किया है, इसके अलावा हम मेडिसिन में भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस तरीके के थ्रोम्बस के बनने की टेंडेंसी आप कहीं पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फीमोरल वेन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई है। अब समस्या ये उठती है कि ये अगर प्रॉब्लम थ्रोम्बस के साथ है तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमन सिम्टम्स जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साथ जुड़ी हुई मिलती हैं, उसको हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो हम समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसा इमेज बनता होगा और ऐसी इस प्रॉब्लम में सिम्टम्स जो मिलते हैं वो लोकलाइज्ड वार्मिंग होगा, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग होगा जो कि काफ़ी सीवियर हो सकता है। और अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे थ्रोम्बस बनते क्यों हैं। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और विरकोव ट्रायड्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो विरकोव ट्रायड में एंडोथेलियम की इंजरी होने पर या फिर ब्लड की स्टेसिस होने पर या फिर हाइपर कोआगुलेबिलिटी का स्टेट है, तो ये ट्रायड का जो फीचर्स है जिसमें एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस ऑफ ब्लड और हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होने पर थ्रोम्बस के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बार हम इस इमेज में देखने की कोशिश करेंगे विरकोव ट्रायड के बारे में, और ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट एंडोथेलियल इंजरी और वीनस स्टेसिस के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट में क्या होता है? कैंसर, थ्रोम्बोफिलिया, एस्ट्रोजन थेरेपी, प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में ऐसे स्टेट मिलते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की पेशेंट्स में भी यह बात देखने को मिलती है। एंडोथेलियम की इंजरी पर फोकस करें तो सर्जरी, ट्रामा, इंडवेलिंग कैथेटर, एथरोस्क्लेरोसिस, हार्ट वाल्व की डिजीज या रिप्लेसमेंट के दौरान एंडोथेलियम की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरा ट्रायड का पार्ट है वो है वीनस स्टेसिस। इमोबिलिटी या पैरालिसिस होने पर वीनस स्टेसिस होता है। हार्ट फेल्योर, वीनस इंसफिशियंसी या वेरिकोज वेन के स्टेट्स में भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होंगे, या फिर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी ट्यूमर, ओबेसिटी या प्रेगनेंसी की वजह से। ये सभी की सभी चीज़ें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्रोम्बस बनता है। आगे थ्रोम्बस, ये जो क्लॉट बना है ये टूट करके एम्बोलस के फॉर्म में आगे जा सकता है, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, वो भी इसका एसोसिएटेड पार्ट हो सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस को, या डीप वेन के भीतर थ्रोम्बस के फॉर्मेशन की वजह से होने वाली समस्या है। इसमें हमने विरकोव ट्रायड की बात किया, एंडोथेलियम की इंजरी, स्टेसिस ऑफ ब्लड और हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड के स्टेट को समझा। हमने आपको बताया कि कब एंडोथेलियम की इंजरी होती है, कैसे ब्लड रुकता है और कैसे हाइपर कोआगुलेबल स्टेट्स मिलते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन साइट काफ मसल्स के भीतर पाए जाने वाले जो सोलियल प्लेक्सस वेन है वो होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन अगर फीमोरल वेन में होता है तो आप देखेंगे कि वो लंग्स तक पहुंच सकता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो लंग्स को भी जाकर के अफेक्ट कर देते हैं। यह बात हमें पता होना चाहिए कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का कारण कब होगा, फीमोरल वेन में थ्रोम्बस बनने की वजह से होगा। इलियो फीमोरल वेन में अगर थ्रोम्बस बन गया तो उसके क्लॉट एम्बोलस ऊपर जाकर के लीवर तक लंग्स तक पहुंच सकते हैं।
हम उस चीज को यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखिए इलियो फीमोरल वेन है, यहाँ से अगर फीमोरल वेन में थ्रॉम्बस ब्रेक हुआ तो ये आगे सर्कुलेशन में जा सकता है और यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है। यह कैसे कराएगा इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए थ्रॉम्बस का जो एम्बोलस है वो ऊपर की ओर जा रहा है और ये अल्टीमेटली इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू होते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए हार्ट की पंपिंग के साथ ये ऊपर गया और यह एम्बोलस जहाँ जा करके रुकेगा वहाँ की आगे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और एसोसिएटेड जो अफेक्टेड पार्ट्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया था स्टेसिस, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हाइपर कोअगुलेबल स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सर्जरी लंबे समय तक बना रहे मीन्स किया जाए 2 आवर से ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग सर्जरी, इसके अलावा पेल्विक या आर्थोपेडिक सर्जरी, प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी चीज़ें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हिस्ट्री ऑफ MI या स्ट्रोक्स, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, एंटी थ्रोम्बिन 3 का डिफिशियंसी, प्रोटीन सी की डिफिशियंसी, फैक्टर 5, लेडन जीन म्यूटेशन, इन सभी चीज़ों को हमने पैथोलॉजी में ही डिस्कस किया है। आप वहाँ पर इससे रिलेटेड लेक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसके अलावा मैलिग्नेंसी, इंक्रीज्ड एज, ओबेसिटी, ये सभी के सभी विर्कोस ट्रायड के किसी किसी फैक्टर से एसोसिएटेड हैं और ये सभी रिस्क फैक्टर डीप वेन थ्रोम्बोसिस करा सकते हैं। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेन होता है, एडिमा होगा, एरिडेमा होगा, लो ग्रेड फीवर बना रहेगा और इसके साथ ही साथ एक्सटेंसिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ फीमोरल वेन को फ्लैगमेसिया अल्बा डोलेंस कहते हैं। ये फ्लैगमेसिया अल्बा डोलेंस है क्या, पेल वाइट पेल या वाइट लेग की कंडीशंस को कहते हैं। यहां पर देखिए पेनफुल वाइट एडिमा आपको इस इमेज में देखने को मिलेगा, इसे मिल्क लेग या वाइट लेग कहते हैं। ये प्रेग्नेंट या पोस्टपार्टम वुमेन में डिस्क्राइब किया गया। इसका कारण क्या होता है उसको समझ लें। यहां पर टोटल ऑक्लूजन ऑफ डीप इलियोफीमोरल वेनस सिस्टम, ऐसा होने पर यहां से मैंने आपको लेक्चर में बताया ना कि इलियोफीमोरल जो वेनस सिस्टम है उसकी जो डीप यानी भीतर की जो वेसल्स हैं, जो वेनस चैनल है उसमें ऑक्लूजन हो गया, टोटल ऑक्लूजन हो गया, लेकिन सुपरफिशियल वेनस सिस्टम खुले हुए होते हैं, इसके कारण साइनोसिस नहीं होगा, इडिमा होगा, पेन होगा, ब्लेंचिंग होगा। अब आप सोच रहे होंगे वाइटनेस क्यों है, तो एक्चुअल में क्या है कि ये दबाव डालता है जिसके कारण आर्टेरियल सिस्टम यहाँ पर प्रभावित होता है, आर्टरीज भी प्रभावित होती है, इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता और ये पूरा का पूरा ऑक्लूड हुआ है, सुपरफिशियल चैनल ओपन है। लेकिन अगर डीप और सुपरफिशियल दोनों ही वेनस सिस्टम का ऑक्लूजन हो जाए तो क्या होगा, यहां पर ब्लू लेग की कंडीशन मिलती है, ब्लू लेग या फिर जिसे हम कहते हैं फ्लैगमेशिया सेरुलिया डोलेंस कहते हैं। तो पिछले वाले को हमने कहा था फ्लैगमेशिया एल्बा, एल्बा मीन्स वाइट, एल्बा डोलेंस हमने कहा था और इसको हम कह रहे हैं फ्लैगमेशिया सेरुलिया, सेरुलिया यानी ब्लू, ब्लू डोलेंस। तो फ्लैगमेशिया सेरुलिया डोलेंस जिसमें डीप और सुपरफिशियल दोनों ही वेनस सिस्टम का ऑक्लूजन होता है और यहां पर आप वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक्जिमा होगा, पेन होगा, साइनोसिस ब्लूई होंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है और एक्यूट इस्चिमिक कंडीशन यह हो सकती है। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा फीमोरल इलियक या पेल्विक वेन के कंप्लीट डीप और सुपरफिशियल दोनों ही वेनस सिस्टम के ऑक्लूजन की वजह से हुआ है। तो अगर डीपर डीप केवल जो सिस्टम है उसका टोटल ऑक्लूजन हो जाए, एक्सटेंसिव ऑक्लूजन हो जाए तो उसके कारण पेल वाइट लेग बनता है जिसे फ्लैगमेसिया एल्बा डोलेंस कहते हैं, जबकि एक्सटेंसिवली डीपर और सुपरफिशियल दोनों का ऑक्लूजन हो जाए
फीमेरल इलियक या पेल्विक वेन के एक्सटेंसिव डीपर और सुपरफिशियल दोनों ही सिस्टम का अगर ऑक्लूजन हो जाए तो यह ब्लू लेग या वीनस गैंग्रीन की कंडीशन होती है जिसे फ्लेगमेसिया सेरुलिया डोलेंस कहते हैं। तो ये फ्लेगमेसिया सेरुली डोलेंस कब हुआ है इस बारे में हमें सही से जानकारी होनी चाहिए। डीप और वेनस जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है दोनों का अक्लूजन होने पर ऐसा होता है। इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में अब पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के होने के चांसेस भी होते हैं, इसीलिए कुछ टेस्ट कराने चाहिए, क्लिनिकल टेस्ट होने चाहिए। जैसे माफ कीजिएगा, अगर हमें डाउट है कि यह एक्सटेंसिव लेवल पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है, तब हम होमेन साइन या फिर जो दूसरे साइंस मॉसिस साइन, इस तरीके की जो टेस्ट करा करके जो स्पेसिफिक साइंस हम ऑब्जर्व करते हैं, होमेन्स टेस्ट मॉसिस टेस्ट, वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे एम्बोलस के आगे बढ़ करके पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम हॉमेंस टेस्ट या मॉसिस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इससे थ्रोम्बस के डिटैच होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इसे कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे हम पता करेंगे थ्रोम्बस कहाँ बना है, तो इसके लिए वीनस थ्रोम्बस या डुप्लेक्स स्कैनिंग की जा सकती है। यहाँ पर हम इमेज में देख सकते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यहाँ पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की मदद से हम देख सकते हैं थ्रोम्बस कहाँ पर फॉर्म हुआ है और कहाँ पर कंप्रेशन है, उस साइट को लोकेट कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि अगर ये प्रॉब्लम पता चल जाता है तो इसे कैसे हम ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट करने के लिए हम हिपेरिन देते हैं, हिपेरिन का 80 यूनिट पर केजी के हिसाब से बोलस डोज देते हैं, उसके बाद 18 यूनिट, पहले 80 फिर 18 यूनिट्स पर केजी पर हार के रेट से हम इन्फ्यूज़न देते रहते हैं, और तीन से चार दिनों के बाद वारफेरिन पर शिफ्ट कर देते हैं, और लगातार 3 to 6 मंथ तक हम वारफेरिन देते रहते हैं। वर्तमान समय में जो हिपेरिन दी जा रही है वो लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन है, तो लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन ही इस समय ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। LMWH लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन आजकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और वारफेरिन को देते समय हमें PT बाई INR रेशियो को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। इस दौरान हम नॉर्मल तो INR 1 to 2 होता है, यहाँ पर हम एटलीस्ट गोल 2 to 3 का रखते हैं, और वारफेरिन देते समय हमें PT बाई INR रेशियो को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक हमें इसे देना है। प्रोफाइलेक्टिकली अगर हमें पता चल चुका है सिम्टम्स के बेसिस पर कि ये आगे चल करके थ्रोम्बस बन सकता है, और थ्रोम्बस नहीं है लेकिन उसके पहले ही हम पेशेंट को जागरूक कर देते हैं कि वो दवा लेते रहें वरना आगे चल करके थ्रोम्बस बन सकता है, तो ऐसे मामलों में हम प्रोफाइलेक्टिकली मैकेनिकल टेक्निक अपना सकते हैं या फिर फार्माकोलॉजिकल टेक्निक अपना सकते हैं। मैकेनिकल टेक्निक में क्या हो सकता है, इसमें हम पेशेंट को आफ्टर सर्जरी या फिर किसी इंटरवेंशन के बाद हम जल्दी से पेशेंट को मूव करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ब्लड की स्टेसिस बनी रही तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों की वजह से, ब्लड की स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बस बन सकता है, तो इसीलिए हम अर्ली एम्बुलेशन, इसके अलावा हम एक्सटर्नल कंप्रेशन, अर्ली कंप्रेशन, और प्रोफाइलेक्टिकली जो मेडिसिन देते हैं उसमें लो डोज हिपेरिन या लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन दे सकते हैं। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर हो चुका है तो उस समय तो हमने आपको बताई है कि हमें एम्बोलस को आगे बढ़ने से रोकना है, और वो ज्यादा बड़े साइज का ना बने इसके लिए एंटीकोआगुलेंट्स हमें देने हैं, तो वो चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने आपको बताया ना कि हिपेरिन देकर के फिर वारफेरिन पर शिफ्ट करते हैं, वो चीज यहां पर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। प्रिवेंटिव मेथड्स में अर्ली एम्बुलेशन और एक्सटर्नल कंप्रेशन, और मेडिसिंस में हम हिपेरिन, लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन हम दे सकते हैं, यह बेस्ट मेथड है। इसके अलावा यहां पर डीबीटी पंप्स भी आते हैं, आप यहां पर देखें
डीवीटी पंप, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, कंप्रेशन डिवाइसेस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इस तरीके के थ्रॉम्बस बनने के चांसेस कम हो जाएं। तो ओवरऑल हम लोग मोटे तौर पर प्रोफाइलेक्टिकली दो मेथड्स पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल और फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में मैंने आपको बताया बेस्ट मेथड है कि आप लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन दें। इसमें लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन्स हमें याद रखना है और इस थेरेपी को हमें सर्जरी से पहले और पोस्ट ऑप पीरियड में भी देना है। मैकेनिकल मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया ना कि हम इसमें कंप्रेशन के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या अर्ली एम्बुलेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को सर्जरी के बाद जल्दी से हम उसे मूवमेंट के लिए प्रेरित करते हैं, अर्ली एम्बुलेशन टेक्निक। और डीवीटी पम्प्स के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया था कि उसमें कंप्रेसिव डिवाइस होती है, न्यूमैटिक एयर के प्रेशर से वो कंप्रेशन करती है पम्प्स की मदद से। हम पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। आपने इमेज में देखा कि कैसे ये एयर का प्रेशर दे करके डीप वेन थ्रॉम्बस को बनने से रोकते हैं। ओवरऑल बेस्ट मेथड्स की बात की जाए तो डीवीटी के प्रिवेंशन के लिए लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन ही बेस्ट मेथड होता है। इसके अलावा अगर लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन नहीं दिया जा सकता है, अगर ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है, तब हम आईवीसी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हाई है, तब हम आईवीसी इन्फीरियर वेना केवा में एक फिल्टर लगाते हैं जिसे किमरे ग्रीन फील्ड फिल्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फिल्टर और यह ब्लड क्लॉट को रोक सकता है। किमरे ग्रीन फील्ड फिल्टर्स के इस स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं और यह तब दिया जाता है जब एंटीकोगुलेंट्स या लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो।